हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मोमेंट सात्विक। हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल प्लान फॉर आवर चिल्ड्रन। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक, और एज सुन एज मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, आई स्टार्टेड थिंकिंग अ लॉट इन माई हेड। एंड मुझे लगता है सारे पेरेंट्स का यही होगा कि भाई बच्चा है उसके लिए कहाँ इन्वेस्ट करें। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे फ्रेंड्स के, मेरे कलीग्स के, मेरे फैमिली में लोगों के आए कि भाई हमें इन्वेस्ट करना है बच्चे के लिए तो हम कहाँ करें। तो फ्रॉम देयर आई थॉट कि मैं ये वीडियो बनाती हूँ। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो बाय सेइंग कि मनी कांट सॉल्व माय ऑल प्रॉब्लम्स बट इट कैन सॉल्व माय मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, राइट। सो इट मीन्स कि पैसा हमारी सारी चीज़ें पूरी नहीं कर सकता, सारी ज़रूरतें सॉल्व नहीं कर सकता, पर पैसे से रिलेटेड सॉल्व कर सकता है। तो एटलीस्ट रिजॉल्व दैट वन जो हम कर सकते हैं। तो इस सीक्वेंस में मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, जैसे कि अब बच्चों के लिए कब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, छोटे टाइम के लिए करना है, लंबे टाइम के लिए करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, रिस्की इन्वेस्टमेंट करना है, सेफ इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हमें बच्चों के लिए कब से इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करनी चाहिए। तो हमें बच्चों के लिए, हमें किसी भी वेट नहीं करना चाहिए किसी भी एज का। एज सून एज पॉसिबल हमें बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं अरे अभी तो बहुत छोटा है, तो भाई ये वीडियो उनके लिए नहीं है। जिनको लगता है कि उनका बच्चा अभी 4 साल का है, बहुत छोटा है, अभी तो 18 साल की उम्र में एजुकेशन होगी, तब तक हम वेट करते हैं, तो भाई ये वीडियो आपके लिए नहीं। आपको जब भी लगे आप इवन मेरी वीडियो देखें उसके तुरंत बाद से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें, क्योंकि कभी भी बहुत जल्दी नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप पेरेंट बन चुके हैं तो यू आर ऑलरेडी लेट, आप ऑलरेडी लेट हैं बच्चों की इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लान करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट प्लान करने के लिए कोई भी टाइम बहुत जल्दी नहीं है। आपका बच्चा आज हुआ है, आप 1 महीना 2 महीना लीजिए अपना सेटअप करने में, कंफर्टेबल होने में, एंड आई थिंक उसके बाद आप प्लान कर सकते हैं ईजिली। आप क्योंकि जितनी जल्दी आप प्लान करेंगे उतना ही आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा एंड उतना ही आपके लिए ईजी होगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अब आते हैं दूसरे सवाल पे, जो कि है फाइनेंशियल प्लान, कि हम कैसे प्लान करें कि हमें कितना अमाउंट कब कहाँ कैसे लगाना है। तो इसके दो पार्ट हैं। सबसे पहला तो है टर्म। टर्म मतलब कितनी अवधि के लिए आप पैसा लगाना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक तो छोटी अवधि होती है जिसमें हम 1 से 5 साल के बीच कंसिडर करते हैं कि अगर आपको इस टाइम पीरियड में वो पैसा चाहिए तो आपको छोटी अवधि के लिए पैसा लगाना है। दूसरा है लंबी अवधि के लिए, जो 10 से 20 साल के बीच के लिए हमें पैसा लगाना है। जैसे आज हमारा बच्चा अगर 2 साल का है तो हमें 18 साल पे वो पैसा चाहिए, तो हमारे पास लगभग 16 साल है, तो दैट इज़ लंबी अवधि। छोटी अवधि में क्या है, जैसे बर्थडेज हैं बच्चों के, हम वो प्लान कर सकते हैं। फॉर्मल एजुकेशन है, वो छोटी अवधि में आती है, हम वो प्लान कर सकते हैं। लंबी अवधि में जैसे मैरिज है, मैरिज के लिए सेविंग कर सकते हैं। हायर एजुकेशन है, उसके लिए सेविंग कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया टर्म। इसमें हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम कितने पीरियड के लिए पैसा ब्लॉक रख सकते हैं या फिर कितने लंबे टाइम के लिए हम सेविंग कर सकते हैं। अब फाइनेंशियल प्लान का ही दूसरा हिस्सा है गोल। गोल का मतलब है हमें कितना पैसा चाहिए। जितना पैसा हमें चाहिए होगा उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे कि हमें मंथली कितना पैसा सेव करना है। तो ये इसलिए, जब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैं आज से 5 साल पहले 2016 में जब मैंने सेविंग स्टार्ट की थी तो मैंने कई सारे आर्टिकल पढ़े। वो क्या होता है, वो आपको सबसे पहले क्या बोलेंगे बहुत ही टर्म्स में, आप पहले अपना गोल सेट करिए। जैसे वो ये बोलते थे ना, मेरे एकदम फ्यूज उड़ जाते थे कि भाई मेरा तो कोई गोल ही नहीं है। बताइए, जब मेरा कोई गोल ही नहीं है तो मैं सेव नहीं करूं। तो ऐसा लिटरली मैं बता रही हूँ आपको, आपकी शादी नहीं हुई है, आपके बच्चे नहीं थे, तो कोई गोल कैसे होगा। बस मेरे दिमाग में ये था कि भाई मुझे सेविंग करनी है ताकि मेरे को आगे जरूरत पड़े
तो उस पैसे को मैं यूज़ कर लूँ, सेविंग नहीं करूँगी तो मैं पार्टी करूँगी, मैं पैसे उड़ा दूँगी, मैं पैसे बचते नहीं हाथ में, तो बस मेरा ये था, मेरा गोल नहीं था। तो अगर आपका कोई गोल नहीं है तो प्लीज़ डरिए मत, मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि गोल होना क्यों ज़रूरी है और कितनी ईजिली आप गोल बना सकते हैं। तो गोल बनाते हैं, तो गोल कैसे आप डिसाइड कर लेंगे कि जैसे आज अगर आपका बच्चा 1 साल का है और आपको 3 साल में उसको फॉर्मल एजुकेशन में एडमिशन दिलाना है, और आज की डेट में अगर 1 लाख रुपए फॉर्मल एजुकेशन की फ़ीस है तो आप उस पर 10% ऐड कर लीजिए नेक्स्ट 2 ईयर्स का, 10% फर्स्ट ईयर का 1,10,000, और 1,10,000 पे 10% और 11,000, तो ये हो गया 1 लाख, लगभग 21,000 के आसपास। तो अगर आपका बच्चा 1 साल का है और 2 साल बाद वो फॉर्मल एजुकेशन में जाएगा और आज की फ़ीस 1 लाख रुपए है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको 3 साल पे वही स्कूल की, सेम स्कूल की फ़ीस आपको 1,20,000 रुपये के आसपास पड़ेगी। बस इतनी कैलकुलेशन है सिंपल। तो इस हिसाब से आप प्लान कर लीजिए। ये भी मैं आपको एक चार्ट बना के अभी दिखा दूंगी कि अगर आपका बच्चा इतने साल का है और हायर एजुकेशन के लिए कितना अमाउंट चाहिए, ये मैं आपको भी एक चार्ट में दिखाऊंगी, तो वो भी आपके लिए सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो गोल बनाना इतना टफ भी नहीं है जितना कि मैं समझती थी कुछ सालों पहले, तो आपके लिए भी टफ नहीं है। प्लीज़ आप एक पेन और पेपर लीजिए, उस पर मेंशन करिए, क्योंकि जब आप पेन पेपर लेके बैठेंगे ना तो इट विल बी रियली इजी एंड सिंप्लीफाई फॉर यू। आपको उस पर सिर्फ इतना लिखना है कि भाई हमको कितने सालों के बाद कितना पैसा चाहिए, और उस पैसे को फिर आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं मंथ्स में, ईयर्स में, कि कैसे आपको उसको सेव करना है। भाई ये बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि आप एजुकेशन लोन लेंगे 12% पे, बैंक आपको सेविंग्स पे 3-4% दे रहे हैं, तो यहीं से आप 7% की हर ईयर मात खा रहे हैं एंड योर मनी इज़ डिक्लाइनिंग, आपकी पैसा जो आपका नीचे जा रहा है। तो इसलिए अगर आपको लगता है फाइनेंशियल प्लान करना वेस्टेज है, तो ना भाई ना, ये करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका पैसा घर में खड़ी एक साइकिल के जैसा हो जाएगा, इसमें जंग लग रही है हर दिन, उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो ये तो हो गए हमारे 2 पार्ट, फाइनेंशियल प्लान करना, उसका गोल और टर्म, और उसके बाद कब से इन्वेस्ट करें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं कि हम इन्वेस्ट कहाँ करें। तो सबका यही सवाल है, कोई ये नहीं जानना चाहता है कि हम कैसे शुरू करें, हर कोई ये जानना चाहता है भाई बता दो कहाँ इन्वेस्ट करना है। जैसे ये न्यूज़ में, पेपर में एक न्यूज़ आई कि ये चाइल्ड इन्वेस्टमेंट बेस्ट है, हेडिंग आई ये चाइल्ड इन्वेस्टमेंट बेस्ट है, चाहे उस चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान या उस बैंक ने वो खुद ही निकलवाया हो, पर आपने न्यूज़ में पढ़ लिया, आपने गूगल की न्यूज़ में पढ़ लिया और आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, जिस पर मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है जिस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, वो है कि ये जितने भी चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान हैं, जितने भी ये बनाए गए हैं बैंक्स के द्वारा, मैं किसी स्पेसिफिक बैंक का नाम नहीं ले रही हूँ, वो सिर्फ बैंक के फ़ायदे के लिए हैं, कोई भी आपका या आपके बच्चे के फ़ायदे के लिए नहीं है। आप कर सकते हैं, पर अगर आपको लगता है कि नहीं उसमें कुछ झोल है, क्योंकि उसमें झोल है, ये मैं बता रही हूँ आफ्टर इतना सारा सर्च करने के बाद, सात्विक के इवन आई वॉज प्रेगनेंट विद सात्विक, उसके बाद से मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ना और चेक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे नॉलेज थी तो मुझे सब बकवास लगा कि ये सिर्फ इमोशनल मार्केटिंग है जो माँ बाप को पकड़ा दी जाती है, आपके बच्चे के लिए ये, आपके बच्चे के लिए वो, और बस माँ बाप तो बच्चे के लिए इतना इमोशनल होते हैं कि उन्होंने फटाफट खरीद लिया। तो नहीं भाई, आपका पैसा बहुत मेहनत का है, उसको सही से लगाएं ताकि उस पर एटलीस्ट 10-15% तो आप इंटरेस्ट कमाएं, क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन 7% है और उस इन्फ्लेशन में शायद रोटी ही आती है, कपड़ा और मकान तो मैं कंसीडर नहीं करती, क्योंकि अगर आप मॉल में जाके कपड़ा खरीद रहे हैं तो उसका इन्फ्लेशन तो पता नहीं कहाँ है, और मकान की तो बात मत करिए। तो आज का जो इन्फ्लेशन है उसमें बेसिक नीड्स भी नहीं है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना पैसा सही जगह लगा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम सही जगह पैसा कहाँ लगाएं। तो आपके पास
दो ऑप्शन है। एक सिंपल है, सेफ इन्वेस्टमेंट, जहां आपको कोई भी रिस्क नहीं है या मिनिमल रिस्क है, थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रहेगा और आपका इन्वेस्टमेंट, वो एक ऑप्शन है। दूसरा है रिस्की इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि कई टाइप की रिस्क है, थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क है, हाई रिस्क है, पर जैसा जैसा आप रिस्क लेंगे वैसा वैसा आपका इंटरेस्ट या आपको प्रॉफिट भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो इन दोनों पे हम बात करेंगे। उससे पहले हम एक चार्ट देखेंगे। आप ये देखिए कि अगर आपका बच्चा आज कितने साल का है और अगर उसको हायर एजुकेशन के लिए कितने पैसे चाहिए, तो आप ये एक बार चार्ट देखिए और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम चार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले आप अगर चार्ट देखोगे, ये चार्ट में क्या है कि अगर आपका बच्चा 2 साल का है, तो आप अगर आज आपके बच्चे की एज 2 साल है, तो उसका और उसकी एजुकेशन पे हम 10% इन्फ्लेशन ऐड करते हैं और शादी पे हम 7% इन्फ्लेशन ऐड करते हैं, बेसिक इन्फ्लेशन जो गवर्नमेंट बताती है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें मिलेगा हमारी सेविंग्स पे, वो हम 10% एवरेज 10% कंसिडर करके चलते हैं, क्योंकि कहीं पे जो हमारे सेविंग्स है उनमें 7% होगा, कहीं पे 12% होगा, तो ऑन एन एवरेज हम 10% मांग के चलते हैं। तो इस चार्ट में मैंने 10.5 कंसिडर किया हुआ है। तो अब हम अपने गोल्स देखते हैं। गोल्स सेट करना मैंने आपको बताया था ना कि इट्स ईजी। तो हम अपने गोल्स देखते हैं। सपोज करो हमारा पहला लॉन्ग टर्म गोल है 10th स्टैंडर्ड। तो अगर हमारा बच्चा 2 साल का है, तो उस 10th में वो अराउंड 15 ईयर्स की एज पे होगा और हमारे पास 13 ईयर्स होंगे। तो आज की डेट में वो खर्चा है लगभग 1.5 लाख रुपए का, और 13 साल बाद वो खर्चा होगा लगभग 5,17,000 का। तो हमें 10th के हिसाब के लिए अगर हमें मंथली सेविंग करनी है, तो वो 1,625 रुपीज़ की होगी, बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन ऑन एजुकेशन। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट लॉन्ग टर्म गोल होगा 12th स्टैंडर्ड। तो 12th स्टैंडर्ड के लिए अगर आप देखोगे, बच्चे की अराउंड एज होती है 17 ईयर्स, और आज की डेट में खर्चा है लगभग 2 लाख रुपए, हमारे पास 15 साल होंगे, और हमें उस टाइम पे आज से 15 साल बाद चाहिए होगा 8,35,000 के आसपास, जिसके लिए हमें मंथली इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपए का करना पड़ेगा। अब आते हैं ग्रेजुएशन, जो थोड़ा सा बड़ा खर्चा होता है। आज की डेट में ग्रेजुएशन, एवरेज ग्रेजुएशन इज 15 लाख कॉस्ट अराउंड। जैसे कि अगर आप बीटेक या बीबीए करेंगे, तो उसमें आपका 6 से 7 लाख रुपए खर्च होगा, और अगर आप एमबीए और ये करते हैं लॉ वगैरह, तो उसमें आपका 25 लाख से 30 लाख के बीच में वेरी करेगा। एमबीबीएस का थोड़ा और ज़्यादा है, तो एवरेज 15 लाख की कॉस्ट है। तो 15 लाख एवरेज लेके चलते हैं, और हमारे पास ग्रेजुएशन के लिए 16 साल है, और आज का जो 15 लाख का ग्रेजुएशन का खर्चा है, वो लगभग 68 लाख हो जाएगा आज से 16 साल बाद। तो उसके लिए हमें 14,600 रुपये लमसम की मंथली SIP करानी चाहिए, या हमारा 14,000 का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उस पर हमारा 10% ऐड होता जाएगा। देन कम्स टू पोस्ट ग्रेजुएशन। आज के टाइम पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में लगभग सेम ही एक्सपेंडिचर है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 15 लाख है, पर पोस्ट ग्रेजुएशन थोड़ा सा कॉस्टलियर होगा। कुछ लोग अब्रॉड जाके पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, कुछ लोग इंडिया में करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास 20 साल है, और वो अमाउंट लगभग 1 CR के आस, वो अमाउंट लगभग 1 करोड़ के आसपास हो जाएगा आज से 20 साल बाद। एक तो उसमें थोड़ा टाइम भी बढ़ेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन 16 साल बाद हो जाएगी, पोस्ट ग्रेजुएशन में थोड़ा सा और टाइम बढ़ेगा, तो इसकी वजह से वो 1 करोड़ हो जाएगा। तो उसके लिए हमें आज की डेट में 13,200 के आसपास की मंथली सेविंग करनी चाहिए, टारगेटिंग पोस्ट ग्रेजुएशन की, हमारे बच्चे की पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मंथली इतना सेव करना। अब आते हैं वेडिंग पे, जिसमें कि हमने 7% का इन्फ्लेशन कंसिडर किया है, बेसिक इन्फ्लेशन, जो कि मेरे हिसाब से रियलिस्टिक नहीं है, पर हाँ गवर्नमेंट में वही नंबर्स दे रही है। उसमें कंसिडर करते हैं 26 टू 30 के बीच में मैरी करती, बट 26 मान के चलते हैं। तो उसमें आज की डेट में लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा है। मैं ये नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रही हूँ, मैं बहुत हाई क्लास
आप वेडिंग की बात नहीं कर रही हो, खर्च करने के लिए आप 1 करोड़ से 5 करोड़ भी खर्च कर रही हो शादी में कम, पर एक बेसिक रिक्वायरमेंट जिसमें खाना, डेकोरेशन, कपड़े, ये 10 लाख में आज के डेट में हो जाता है। तो आज जो चीज 10 लाख में हो रही है, आज से 24 साल बाद जो हमारे पास 24 साल का टाइम पीरियड होगा, उस 24 साल बाद हमारे जो इस वेडिंग का खर्चा होगा, बेसिक वेडिंग का खर्चा होगा, वो अराउंड 50 लाख होगा। नाउ कम्स टू वेडिंग के लिए हमें मंथली कितना सेव करना चाहिए, वो लगभग 4200 के आसपास होना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि जो करेंट वैल्यू है वो हमारे खर्चे की है। अगर हमारा बच्चा आज ही मान लो 15-17 साल का होता तो हमारे पास आज का ही खर्चा था 43,50,000 का अराउंड। यही खर्चा हमारे पास लगभग 26 साल बाद आएगा, जो कि होगा 2,34,00,000 के अराउंड। तो आप ये सोचोगे हमें तो 2 करोड़ इकट्ठा करना है। जी हाँ, हमें 2 करोड़ इकट्ठा करना है। इसीलिए मैं शुरू से कह रही हूँ कि आप आज से ही शुरू करें, इन्वेस्टमेंट आज से ही शुरू करें, तभी जाके ये 15 से 20 साल में 2 करोड़ अमाउंट हो। अभी आप इसमें एक चार्ट और देखोगे कि कितना ज़्यादा वेरी कर रही है एजुकेशन की कॉस्ट इंडिया में, बहुत ज़्यादा गैप से वेरी कर रही है। तो मैंने तो एवरेज लिया हुआ 10% का। और प्लीज़ ये मत सोचिए कि हम अभी सेव नहीं करते हैं और हम उस टाइम पे लोन ले लेंगे। लोन का बहुत ज़्यादा, मतलब एजुकेशन लोन का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है जब आप एक बड़े अमाउंट में लेते हैं ना। लाइक अगर मान लो आपने ग्रेजुएशन के लिए लोन लिया और आपने 70 लाख रुपए का लोन लिया 12% पे, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा चुकाने के टाइम पे। तो प्लीज़ डोंट रिलाई ऑन लोन और समथिंग, स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे। और इस अगर आप जितनी जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं उतना ही आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। तो अब तो हमने चार्ट देख लिया, हमें ये समझ में आ गया कि हमें लमसम कितना अमाउंट चाहिए। अब हम आते हैं कि हम कैसे कैसे इन्वेस्ट करें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कैसे कैसे इन्वेस्ट करें जो हम इस यहाँ तक पहुँचें। कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे लगभग, वो मैंने आपको बता दिया, लगभग 35,000 रुपये आपको मंथली सेव करना है फॉर ऑल द फ्यूचर प्लानिंग। तो 2 पार्ट हैं, मैंने बताया था आपको, एक लेस रिस्क इन्वेस्टमेंट, एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा अगर मैं सारे टाइप्स के इन्वेस्टमेंट इसमें इंक्लूड करूँगी। तो आज हम बात करेंगे लेस रिस्क इन्वेस्टमेंट की, और मेरी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें थोड़ा हायर रिस्क साइड इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, शायद आपको 3-4 डेज में मैं रिलीज कर दूंगी। आज हम बात करेंगे सेफ इन्वेस्टमेंट की। तो सेफ इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले डिस्क्लेमर, ये मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, उससे पोर्टफोलियो है, क्योंकि मैंने सात्विक के लिए, जो मैं आपको बताऊंगी, मैंने सात्विक के लिए उन्हीं उन्हीं प्लान्स में इन्वेस्ट किया है, मैंने और कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है। सेकेंड थिंग कि चाहे आपका पोर्टफोलियो है चाहे बच्चे का पोर्टफोलियो है, एक कहावत है, मतलब कहावत क्या, वॉरेन बफे का लाइन है, सबको ही पता होगा जो लोग थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट के बारे में आइडिया है, कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। कि आप सारा इन्वेस्टमेंट एक जगह मत करें, एक जगह करेंगे अगर वो गड़बड़ हुआ तो आपका सब चला जाएगा। इसलिए एक टर्म है डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई का मतलब है कि आप अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करें, कुछ सेफ में, कुछ थोड़ा सा रिस्की में, कुछ थोड़ा ज़्यादा रिस्की में, ये सब मिला के आपको एक अच्छा रिटर्न देंगे और आपके पास थोड़ा सा सेफ अमाउंट भी होगा। तो मिक्स एंड मैच इन्वेस्ट करें, एक जगह इन्वेस्ट नहीं करें। तो इसीलिए मैं आपको आज सेफ ऑप्शंस बताऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है, नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा रिस्क लेवल बढ़ा के वो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताऊंगी। तो सबसे पहला हमारा ये है सुकन्या समृद्धि योजना। ये गवर्नमेंट की स्कीम है, ये सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात ये कि सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए है, और ये इसका ये है कि आप सिर्फ 2 बेटियों के लिए ओपन कर सकते हैं। एक इसमें एक्सेप्शन है, जो कि अगर मान लो आपकी पहली बेटी है और सेकेंड टाइम आपको ट्विंस हो जाते हैं, तो सिर्फ उस केस में ये आप 3 बेटियों के लिए ओपन कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपको ये अकाउंट आपकी बेटी 10 साल की हो उससे पहले ओपन करना है, उसके बाद में आप ये ओपन नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, इसमें आप मिनिमम 250 रुपीज़ से सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। फोर्थ पॉइंट, आपका अकाउंट, आप ये अकाउंट बैंक से या पोस्ट ऑफिस से कहीं से भी जाके ओपन कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इस पे
इंटरेस्ट रेट 7.6 है, जो आज की डेट में सारी गवर्नमेंट स्कीम से सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट इज इसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। देन नेक्स्ट इज ये अकाउंट जिस दिन आप ओपन करेंगे उसके 21 इयर्स के बाद मैच्योर होगा, या फिर अगर आप 18 इयर्स के बाद अपनी बेटी की शादी प्लान करते हैं तो उस टाइम पे आप उसकी मैच्योरिटी ले सकते हैं। इधर शादी के एक महीने पहले और शादी के 3 महीने बाद, ये क्लॉज है। देन इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, माँ बाप का किसी का आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। देन अगर इस अब मैं आपको एक थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि आप इस स्कीम के थ्रू आज से 18 या 20 साल बाद 15 लाख रुपए इकट्ठे कर सकते हैं। कैसे? आप 3,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करिए या 36,000 रुपीज़ ईयरली इन्वेस्ट करिए, और वो आपके लगभग 14 साल बाद 7.6% का इंटरेस्ट मिलके आपको अराउंड 10 लाख के अराउंड हो जाएंगे, और सेम अमाउंट आपका 21 साल बाद 15 लाख के आसपास हो जाएगा। अब सुकन्या समृद्धि योजना के फायदे। सबसे पहला फायदा, ये बहुत ही सिक्योर स्कीम है, गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, तो इसमें मार्केट का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। कुछ भी मार्केट का उतार चढ़ाव, इससे कोई इस पर कोई फर्क नहीं डालेगा। दूसरा, ये ऑलमोस्ट फिक्स्ड इंटरेस्ट है। ऑलमोस्ट का मतलब ये है कि हर क्वार्टर पे गवर्नमेंट, हर 3 महीने पे गवर्नमेंट ये चेक करती है कि उनके बॉन्ड्स में, उनके इकोनॉमी में क्या डिफरेंसेस आए हैं। उसकी वजह से थोड़ा बहुत बढ़ता घटता है, पर वो बहुत ही माइनर होता है। 7.6 से 7.5 हो जाएगा, 7.6 से 7.8 हो जाएगा, इससे ज़्यादा वेरी नहीं करता है। उसके अलावा इसमें आप के जो इसके नुकसान है, वो सबसे पहला मेरे हिसाब से नुकसान है कि आज की डेट में जहाँ पे एजुकेशन में इन्फ्लेशन 10% है, इन्फ्लेशन मतलब आपका जो महंगाई का दर है ईयरली, जहाँ पे 10% है वहाँ पे गवर्नमेंट हमें अपनी बेस्ट स्कीम में 7.6% दे रही है, तो मेरे हिसाब से इट्स रियली लो, बहुत कम है ये। हम अगर आज हम अगर 15 साल बाद की बात करें, हम बेटी की शादी करने जाएँ, तो वहाँ पे भी हमें 20 लाख रुपये, 25 लाख रुपये कोई वैल्यू नहीं होगी। तो उस अकॉर्डिंग ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट नहीं है। उसके अलावा इसका ये है एक कि आपका 21 साल के लिए अमाउंट ब्लॉक्ड है। 21 साल काफ़ी बड़ा टाइम स्पैन होता है। दूसरी और गवर्नमेंट स्कीम ही है जो कि है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, दैट इज़ PPF। सुकन्या समृद्धि योजना के बाद ये नेक्स्ट स्कीम है जिसका कि 7.1 इंटरेस्ट रेट है जो कि आपको मिलेगा। इसका 7.1 इंटरेस्ट रेट है और इसको आप 100 रुपये से खोल सकते हैं, पर आपको ईयरली मिनिमम 500 रुपीज़ इसमें डालने होंगे। देन ये भी आप पोस्ट ऑफिस से या किसी भी बैंक से खोल सकते हैं। पहले ये सिर्फ गवर्नमेंट बैंक से खुलता था, पर अभी कुछ प्राइवेट बड़ी बैंक्स जो गवर्नमेंट ने इंक्लूड की हैं, उसमें HDFC, ICICI, कोटेक और भी बहुत सारी बैंक्स इंक्लूड की हुई हैं, उससे भी आप ओपन कर सकते हैं। इसमें 7.1 का इंटरेस्ट रेट मिलता है, मैंने आपको बताया अभी। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, जिससे कि आपको जो इस साल इंटरेस्ट मिला है, अगले साल वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा और आप उस पर उस पूरे अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इस जो ये PPF है, इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि ये रिस्क फ्री है, गवर्नमेंट इसको बैकअप करती है, इसमें भी मार्केट का कोई उतार चढ़ाव से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है जो कि बहुत अच्छा है, जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का उतना ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। तीसरा, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलता है। चौथा, कि आप इस पर लोन ले सकते हैं। एंड देन इसमें सबसे बड़ी बात है कि 7 इयर्स के बाद आप पार्शियल अमाउंट निकाल सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो डॉक्यूमेंट्स लगा के। सेम इसका नुकसान क्या है, मेरे हिसाब से 7.1 इंटरेस्ट इज रियली लो। दूसरा नुकसान इसका ये है कि आपका 15 साल के लिए ब्लॉक है अमाउंट, और इसके अलावा तो इसमें जो मैंने आपको इसके फीचर्स बताए हैं वही है। तो अभी के लिए ये जो गवर्नमेंट बैक्ड रिस्क फ्री स्कीम्स थी, इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं फ्रेंड्स, बट मैं सच बोलूँ मुझे ऑलरेडी 7.6 और 7.1 ही इतना कम लगता है कि मैं इसके अलावा कोई भी स्कीम सजेस्ट नहीं करूँगी। इन दोनों को मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये दोनों आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करेंगे, आपको थोड़ा रिस्क मैनेज करने के लिए हेल्प करेंगे,
अदरवाइज इसके अलावा तो मैंने किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट नहीं किया अपने बच्चे के लिए। हाँ, इसके अलावा मैंने जो इन्वेस्ट किए हैं वो है इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड्स में। वो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, उसको भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और उसमें आपको मैं एक दो म्यूचुअल फंड्स भी सजेस्ट करूँगी जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।